देखिए, सबसे पहले तो आने वाले सावन की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और सावन में कुछ विशेष सावधानियां अगर आप रखते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा मिलेगी। और कहते हैं जिसके ऊपर भोले की कृपा हो गई उसको फिर सोचने की जरूरत नहीं होती। इसमें कुछ वास्तु टिप भी हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। सावन में भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्यारा होता है, तो बेलपत्र का पेड़ को सींचना, उसके बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल देना बहुत शुभ होता है। आप शमी का पौधा सावन में लगा सकते हैं त्रयोदशी के दिन, प्रदोष के दिन। और जो हमारा शिवरात्रि होता है, मासिक शिवरात्रि होता है सावन में, उसके दिन आप शमी का पौधा लगा सकते हैं। इससे भी घर में बरकत आएगी। अगर आप घर में पूजा आराधना करनी चाहते हैं और भगवान शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, वैसे लोग कहते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लेकिन पारद का शिवलिंग और स्फटिक के शिवलिंग की स्थापना आप घर में कर सकते हैं और उनकी पूजा आराधना की जा सकती है। और अगर करना है तो घर के ईशान कोण में, उत्तर पूर्व के कोण में आप इनकी स्थापना करें। शिव परिवार का तस्वीर आपको दक्षिण पश्चिम के दीवार पर आपको लगाना है, जिससे आपके आपसी परिवार का संबंध और लोगों से आपके संबंध में मधुरता आएगी, उनसे भी संबंध में मधुरता आएगी जो लोग आपको सराहते नहीं हैं, क्योंकि शिव परिवार में एक अनोखी मिलन है। वहाँ पे बैल और बाघ दोनों एक साथ बैठते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहने का मतलब, मोर और सांप दोनों एक साथ बैठते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि शिव परिवार का मतलब ही हो गया कि आपके रिलेशन बहुत मजबूत हो जाएंगे, आपके समाज के हर वर्ग से आपकी बनने लगेगी। शिव की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए, घर में बैठ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। एक माला नहीं कुछ समझ में आए तो ओम नमः शिवाय का जाप आप जो है ना कर सकते हैं। नमः शिवाय का जाप जो है ना, सांब सदा शिवाय नमः, इस मंत्र, इस नाम का जाप जो है ना सदा करने से भगवान शिव की को बहुत खुशी मिलती है। हरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, खूब हरियाली, हरे वस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरे साबुन में लोग मेहंदी लगाती हैं, महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, तो हरे रंग का इस्तेमाल करेंगे घर के पर्दा में, घर के कर्टन्स में अगर आप हरे रंग का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। इस तरह से भगवान शिव की आराधना कीजिए और नतमस्तक होके कुछ इन वास्तु टिपों का आप उपयोग करें, सौभाग्य प्राप्त होगा।